friends, today I am going to teach you class 5 science chapter 4 varying lifestyles of animals. The animals kingdom consists of different kind of animals. Animals kingdom mein bahut sare animals hai, like mammals. What is mammals? Mammals, for example, mammals, bat is a mammal. Okay, we are also mammals. Then birds, insects, fishes, reptiles and microbes. Microbes yani kitanu. So bahut different type ke animals hai. They differ in size, shape and many other features. जितने भी सारे एनिमल्स है वो अपने आप से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट साइज होता है, डिफरेंट शेप होता है और सबका फ्यूचर्स भी अलग होता है या डिफरेंट होता है. द एनिमल्स आर फाउंड ऑन लैंड, इन वाटर एंड ऑल्सो इन एयर. तो जितने भी एनिमल्स है, कोई कोई एनिमल्स लैंड में रहते हैं, कोई कोई एनिमल्स एयर में रहते हैं और कोई कोई एनिमल्स पानी में भी रहते हैं. दे लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सराउंडिंग. ये सब डिफरेंट सराउंडिंग में रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट सराउंडिंग यानी क्या? डिफरेंट इलाकों में रहते हैं. कहाँ पर ज़्यादा गर्मी है, कहाँ पर ज़्यादा ठंडी है, ठीक है, इसी एनवायरमेंट को वो एडजस्ट करके रहते हैं. जैसे कि गर्मी डिजर्ट एरिया में, वहां पर क्या दिखाई देते हैं? कैमल, ठीक है. वो गर्मी को अपना ले, वो गर्मी को एडजस्ट कर पाए, है कि नहीं? द एनिमल्स हैव टू एडजस्ट टू डिफरेंट सराउंडिंग्स, फूड एंड वे टू प्रोटेक्ट themselves. उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो डिफरेंट सराउंडिंग को एडजस्ट करते हैं, फूड को भी वो एडजस्ट करते हैं. सो दे हैव डिफरेंट हैबिट्स, इसलिए उनका डिफरेंट हैबिट होता है. डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट हैबिट होता है, डिफरेंट बिहेवियर होता है. फॉर एग्जाम्पल, एक कैट और एक लायन, हम कैट के पास जाएंगे लेकिन एक लायन के पास जाने से हम डरेंगे. क्यों? दोनों का बिहेवियर अलग है कि नहीं? दे हैव ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग, फीडिंग, रिप्रोडक्शन एंड मूवमेंट विच आर सुइटेड टू देयर एनवायरमेंट. और जो डिफरेंट काइंड का एनिमल्स है उनका डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं. जैसे ब्रीथिंग करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स, जैसे कि हमारा ब्रेथ करने के लिए नोज है, वही डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट ऑर्गन्स है, ठीक है. जैसे कि ब्रेथिंग करने के लिए, फिर खाने के लिए, रिप्रोडक्शन जन्म पैदा करने के लिए, एंड मूवमेंट एंड एक प्लेस से और एक प्लेस, एक जगह से और एक जगह तक जाने के लिए भी उनका डिफरेंट अंग होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं. सो द एनिमल्स हैव टू अडॉप्ट टू द सराउंडिंग फॉर देयर सर्वाइवल. तो जीने के लिए एनिमल्स अपने सराउंडिंग को क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं, अपना लेते हैं. वो अपना सराउंडिंग को वो अपना लेते हैं. लेट अस स्टडी फीडिंग एंड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग. तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट सराउंडिंग में जो डिफरेंट एनिमल्स रहते हैं उनका फीडिंग एंड उनका मूवमेंट के बारे में. फीडिंग यानी खाना और मूवमेंट यानी जाना, वॉकिंग, एक जगह से और एक जगह तक. तो पहले हम पढ़ेंगे फीडिंग इन एनिमल्स. एनिमल्स कैसे फीड करते हैं, किस तरह फीड करते हैं? ऑल एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो. जितने भी एनिमल्स हैं सबको फूड चाहिए, खाना चाहिए. क्यों? ग्रो करने के लिए, टू स्टे हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए, एंड टू गेट एनर्जी एंड
एनर्जी पाने के लिए। तो हमें फिट हेल्दी एंड एनर्जी पाने के लिए क्या चाहिए, इंसान को भी खाना चाहिए और जितने भी एनिमल्स है सब एनिमल्स को खाना चाहिए। टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, और डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आएगा, फूड से। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। तो जैसे कि हम जानते हैं एनिमल्स डिफरेंट काइंड के हैं, वो लोग डिफरेंट काइंड का फूड भी खाते हैं। देयर माउथ पार्ट्स आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट। वो जो फूड खाते हैं, अभी मैंने बोला डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, सॉरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। अगर डिफरेंट काइंड का एनिमल्स डिफरेंट काइंड का अलग अलग फूड खाते हैं तो उनका उनका जो क्या होता है, जो माउथ होता है उस खाने के हिसाब से उनका माउथ होता है, या उसके माउथ के हिसाब से वो खाना खाते हैं। देखो तो पहले हम पढ़ेंगे प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स, प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स। ओके, सो प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स को हम बोलते हैं हर्बीवरस एनिमल्स, हर्बीवरस एनिमल्स। जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवरस एनिमल्स, लाइक काउ, हॉर्स, गोट। ओके, हॉर्सेस, काउस, गोट्स हैव स्ट्रॉन्ग कटिंग टीथ एंड चेविंग टीथ, चिविंग टीथ। उनका जो टीथ होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कटिंग करने के लिए। वो लोग प्लांट खाते हैं, प्लांट को कट करने के लिए उनका टीथ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और चेविंग भी होता है, चबाने के लिए उनका अंदर टीथ होता है, दांत होता है। वो आसानी से, ताकि आसानी से किसी भी प्लांट्स को वो तोड़ सके और उसको चबा सके। सम ऑफ दोस हैव वेरी लॉन्ग नेक्स, और यही एनिमल्स का, कोई कोई एनिमल्स का नेक जो है, गला बहुत लंबा होता है, ठीक है। So that they can easily reach green leaves of plants and trees. इस वजह से, उनका गला लंबा होने की वजह से वो लोग क्या कर पाते हैं, आसानी से पेड़ों से, लंबे लंबे पेड़ों से या बड़ा पेड़ों से भी पत्ते को आराम से खा सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, जिसे हम बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। फ्लेश ईटिंग, जो फ्लेश खाते हैं, जो दूसरे प्राणियों का मांस खाते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लेश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोरस एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल लायंस, टाइगर्स एंड कैट्स हैव शार्प पॉइंटेड एंड कर्व्ड टीथ फॉर ट्यूरिंग फिश। वो जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स है, जैसे कि काउस, सॉरी लायंस, टाइगर्स एंड कैट्स, उनका पॉइंटेड, पहला जो पॉइंटेड टीथ है बहुत शार्प होता है एंड कर्व, थोड़ा सा बेंड होता है, जिससे वो आसानी से किसी भी प्राणी के मांस को छीन के निकाल के खा सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इंसेक्ट्स। सो इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज एंड हनी बी, इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई एंड हनी बीज हैव माउथ पार्ट्स सुइटेबल फॉर सकिंग। इंसेक्ट तो आप देखे होंगे बटरफ्लाइज है कि नहीं, बटरफ्लाइज और हनी बी, मधुमक्खी, ठीक है। तो बटरफ्लाइज और मधुमक्खी व हनी बीज क्या करते हैं, उनका जो माउथ है वो माउथ से सॉक करते हैं, ठीक है, सॉक करते हैं किसी भी चीज को, वो सॉक करके अंदर ले सकते हैं। दे हैव ए लॉन्ग पॉइंटेड सॉकिंग ट्यूब, उनका एक सॉकिंग ट्यूब है, उनके मुंह के पास सॉक करने के लिए, चूसने के लिए एक ट्यूब है, जिसको बोलते हैं प्रोबोसिस। प्रोबोसिस, प्रोबोसिस यानी पक्षियों का सूंड, जैसे हाथी का सूंड है, पक्षियों का भी या इंसेक्ट का भी सूंड रहता है छोटा सा, जिसके वजह से वो आसानी से किसी भी रस को सॉक कर सकते हैं, खींच सकते हैं, चूस सकते हैं। समझ में आया, दस हेल्प टू सॉक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। इनका जो
प्रोबोसिस, प्रोबोसिस यानी इंसेक्ट का सूंड। जो ये सूंड होता है उससे वो फ्लावर के अंदर से रस को आराम से उसको खींच के खा लेता है, उसको चूस के खा लेता है। कौन सा इंसेक्ट? बटरफ्लाइज एंड हनी बीज। एंड द सॉन्ग बर्ड ऑल्सो, द सॉन्ग बर्ड टेक्स नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स विथ इट्स लॉन्ग बीक। जो सनबर्ड है आप देखे होंगे सनबर्ड, वो उसका थोड़ा लंबा बीक होता है, ठीक है, जिसके वजह से वो क्या करता है ना, फ्लावर के अंदर से नेक्टर को चूस कर खा जाता है। अभी देखो इंसेक्ट लाइक मस्किटोस, दे हैव माउथ पार्ट्स सुइटेबल फॉर पियर्सिंग एंड सॉकिंग। वो भी सॉक करते हैं, वो भी चूसते हैं, मस्किटो अपने शरीर में बैठ के वो क्या करते हैं, अपना हमारा खून चूस के खा जाते हैं, है कि नहीं। देन फ्रॉग एंड इंसेक्ट लाइक फ्लाइज बीटल्स एंड वर्म्स। फ्रॉग्स वो सब क्या करते हैं ना, वो फ्लाइज डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लाइज, फ्लाइज बीटल्स और वर्म को खाते हैं। ए फ्रॉग हैज ए लॉन्ग स्टिकी टॉन्ग टू कैप्चर इंसेक्ट। फ्रॉग का क्या होता है, उनका एक लंबा सा टॉन्ग होता है, बहुत लंबा और स्टिकी नरम, एक स्टिकी नरम लंबा सा क्या होता है, जीभ होता है या टॉन्ग होता है, जिसके द्वारा जिसके हेल्प से वो किसी भी इंसेक्ट को कैप्चर करके अपने मुंह के अंदर ले लेता है। नेक्स्ट, एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक कैन ओपन देयर माउथ्स वेरी वाइड सो दे कैन स्वलो देयर प्रे होल। एंड एनिमल्स जैसे कि क्रोकोडाइल एंड स्नेक, ये सब क्या करते हैं, अपने मुंह को बहुत बड़ा कर सकते हैं, अपने मुंह को बहुत बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, खोल सकते हैं, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, अपने शिकार को आसानी से वो स्वलो कर लेते हैं, खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मुंह बहुत बड़ा वो कर सकते हैं और उनके शिकार को पकड़ के वो स्वलो कर लेते हैं, अपने अंदर खा लेते हैं। देन रोडेंट्स लाइक रैट, रैबिट्स एंड स्क्वायरल नो सीड एंड फ्रूट्स। तो रोडेंट्स यानी कि रैट, रैबिट, स्क्वायरल, इनका क्या होता है, इनके सामने दांत होता है जिसके द्वारा वो आसानी से उसको ग्नो करके खाते हैं, किसी भी फ्रूट को या सीड को वो आसानी से ग्नो करके खा जाते हैं। फॉर दिस दे हैव स्मॉल एंड शार्प टीथ, इसलिए उनका दांत बहुत छोटा छोटा और शार्प होता है। डू यू नो हाउ बार्स इट, आप जानते हो बार्स कैसे खाते हैं? You have learned in previous classes, previous class में आप पढ़े होंगे that birds have beaks, उनका bird कैसे खाते हैं, अपने beaks के द्वारा, उनका beaks होता है। And they have also claws, okay? तो अभी हम पढ़ेंगे movement of animals. Unlike plants, animals move from one place to another. They generally move to get their food and water, to protect themselves from enemies and to build their home for resting and bedding. So हम सब जानते हैं animals movement करता है, यानी कि एक जगह से और एक जगह जाता है। क्यों? Why the animals move from place to place? क्यों जाता है एक जगह से और एक जगह? क्योंकि because to get food एंड वाटर, फूड खाने के लिए, पानी के लिए एनिमल्स को एक प्लेस से और एक प्लेस को जाना पड़ता है। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज, अपने शत्रु से बचने के लिए भी एनिमल्स को एक जगह छोड़कर और एक जगह जाना पड़ता है। टू बिल्ड ए होम फॉर रेस्टिंग एंड ब्रीडिंग, और अपना घर बनाने के लिए, घर में जाकर रेस्ट करने के लिए भी उनको एक प्लेस से और एक प्लेस जाना पड़ता है। एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी पार्ट्स,
और लीव्स फॉर मूवमेंट। तो एनिमल्स का भी डिफरेंट टाइप का बॉडी पार्ट्स होता है, उनका जो बॉडी का पार्ट्स है वो भी डिफरेंट होता है। लीव्स फॉर मूवमेंट, उनका मूवमेंट के लिए लीव्स होता है अंग, उनका लीव्स, ठीक है। दोज लीव्स आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर वे ऑफ मूवमेंट लाइक वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, ट्रेवलिंग। तो उनका जो एनिमल्स का जो लीव्स होता है वो भी डिफरेंट काम के लिए होता है, ठीक है। कौन कौन सा? वॉक करने के लिए, रनिंग दौड़ने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, फ्लाइंग उड़ने के लिए, ट्रैवलिंग रेंगने के लिए। तो डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट लीव्स होते हैं और उसी लीव्स के द्वारा वो डिफरेंट वॉक कर सकते हैं। लेट अस स्टडी द डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स ऑफ एनिमल्स एंड हाउ दे यूज देम। तो अभी हम पढ़ेंगे जो डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट लीव्स होते हैं उस लीव्स के द्वारा वो कैसे उसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, हमारे लीव्स है दो नीचे दो ऊपर, है कि नहीं? ठीक उसी तरह डिफरेंट टाइम का डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट लीव्स के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके यूज के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव फोर लीव्स, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके फोर लीव्स होते हैं, जैसे कि हमारा फोर लीव्स है कि नहीं? दो पैर दो हाथ। द टू लीव्स इन फ्रंट आर कॉल्ड फोर लीव्स, तो जो लीव्स फ्रंट में होता है आगे होता है उसको फोर लीव्स बोलते हैं। द टू लीव्स आर द बैक आर कॉल्ड हाइंड लीव्स, और दो लीव्स जो पीछे होता है उसको हाइंड लीव्स कहा जाता है। याद रखो जो लीव्स आगे होता है उनको फोर लीव्स, और जो लीव्स पीछे होता है उनको हाइंड लीव्स। इन मोस्ट मम्मा बोथ पेयर ऑफ लीव्स आर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम टाइम, जितने भी सारे मम्मल्स है, मम्मल्स यानी हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे, मम्मल्स यानी विच एनिमल्स गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस, है कि नहीं? जो यंग वंस के द्वारा अपना बच्चा रिप्रोडक्शन करता है उसको हम मम्मल्स बोलते हैं। तो जितने भी सारे मम्मल्स है, मोस्ट ऑफ मम्मल्स, उनका जो दो पेयर लीव्स है, फोर लीव्स है, वो प्राय सेम होता है। दोज हेल्प देम इन वॉकिंग, वॉक करने के लिए वो लीव्स के हेल्प लेते हैं, रनिंग एंड कैप्चरिंग देयर प्रे, उनका शिकार को पकड़ने के लिए भी वो अपना लीव्स का यूज करते हैं। कैन यू गेस द नेम ऑफ एन एनिमल विच वॉक ऑन टू लेग्स, दो पैरों में कौन चलता है, कौन सा एनिमल्स? हम इंसान, वी आर ऑल्सो एनिमल्स, ओके। मैन इज द मोस्ट डेवलप्ड अमंग ऑल द मम्मल्स, जितने भी सारे मम्मल्स है सबसे डेवलप हम हैं, ठीक है, मैन इंसान है। हिज बॉडी इज सो डिजाइन दैट ही हैज एडवांटेजेस ओवर ऑल अदर एनिमल्स, हमारा बॉडी इतना अच्छे से डिजाइन किया गया है जो कि जितने भी एनिमल्स है उनको साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो सबसे अच्छा बॉडी हमारा है, इंसान का है, ठीक है, और हम उनसे ज्यादा एडवांटेज भी है हमारे पास। इन मैन द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड टू डू मेनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज सच एज टू होल्ड ऑब्जेक्ट, तो हमारा जो फोर लिम्स है, फोर लिम्स यानी दो हाथ दो पैर, ठीक है, जो फोर लिम्स के द्वारा हम क्या करते हैं, होल ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज को पकड़ सकते हैं, एंड ऑल टाइप ऑफ जॉब्स, डू ऑल टाइप ऑफ जॉब्स, बहुत सारे काम कर सकते हैं। एंड ही कैन यूज हिज हाइंड लिम्स टू स्टैंड इरेक्ट, वॉक, जंप, रन, एंड हमारा जो हाइंड लिम्स है, हमारे जो नीचे जो लिम्स है, जो लेग है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, ठीक है। द फोर लिम्स आर कॉल्ड हैंड,
तो इसको हम बोलते हैं फोर लिम्स, ठीक है। द फोर लिम्स इज कॉल्ड हैंड एंड द हाइंड लिम्स इज कॉल्ड लेग, ओके। द अरेंजमेंट ऑफ फिंगर्स इज सच दैट मैन कैन यूज हिज हैंड टू होल्ड थिंग इजीली एंड डू अदर एक्टिविटीज। तो हमारे हैंड में जो उंगलियां हैं फिंगर से, वो कितने सही से सजा के हैं, जिसके हेल्प से हम किसी भी चीज को इजीली पकड़ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम को भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।